हम पटना के कदम कुआं के ठकुरबाड़ी रोड में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी भयावह दिख रही है। पूरा पूरा जल जमाव, पूरा रोड पर जल जमाव, यहाँ तक कि पूरा कदम कुआं इसमें डूबा हुआ है। लोग रिक्शे से आ रहे हैं, जा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है बारिश के इस भयंकर मौसम में। और हम यहाँ पे ठकुरबाड़ी रोड में आए हुए हैं, जिसमें एक भवन का नाम है त्रिपाठी भवन। उसमें यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जो बिहार का हाल चाल है और देख रहे हैं जो मौसम का मिजाज है वो काफ़ी बदल चुका है। आपसे हम पूछेंगे कि आप लोग को इसमें क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्या सरकार से आप अनुरोध करते हैं कि क्या करें, और नगर निगम का काम कैसे चल रहा है इस पर आप अपना राय दें। नगर निगम पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है, कोई काम नहीं हो रहा है। हर जगह जल जमाव, थोड़ा सा आधे एक घंटे की बारिश में देखिए क्या हाल हो जाता है। और बारिश होना भी जरूरी है क्योंकि जल स्तर, जमीन का जो जल स्तर है बहुत नीचे जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने इधर नगर निगम को काम करते देखा है, कभी उड़ाई उड़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं करते इधर। हम एक देख रहे हैं कि यहाँ पे नाला खुला हुआ दिख रहा है, कब से खुला है? वहाँ पे बांस लगा हुआ है, ये करीब 2 महीने हो गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई, 2 महीने से खुला हुआ है, 2 महीने से, और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, बस वैसे ही बांस लगा के छोड़ दिया गया है जी। आप सर बताइए, आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? क्या आप सामान वामान लेकर रखे हैं कि नहीं, सब्जी वब्जी? ऐसा ना हो कि खाना बनाए के लाला पड़ जाए। नहीं, सब्जी तो अभी नहीं है, लेकिन क्या करें, इस बारिश में हमें पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा, जो हमें पानी पहुँचाता वो नहीं आते हैं। और ये यहाँ पे अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो खाना पीना और रहना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। और इस बारिश तो पूरा जल जमा हुआ है, और कहीं जाना होना भी, हमें मेरे कॉलेज का फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना है। हमें सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ इस बारिश में, कैसे निकलूँ घर से, ये बहुत सारी तकलीफ लेकर आया। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन, कहाँ से? BSc ग्रेजुएशन, सेकेंड ईयर। कहाँ से? AN कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी। तो इस पानी में तो वहाँ जाइएगा नहीं? नहीं, आज तो नहीं जा पाऊँगा, अब देखता हूँ पानी कब खुलता है। पानी तो इसका अभी फिलहाल जो मौसम विभाग कह रहा है कि अभी 2-3 दिन तो कम से कम चलेगा। तो आप क्या लग रहा है आपको? ये भाई जी बोल रहे थे कि पानी पीने का बहुत दिक्कत है, आप भी बोल रहे हैं पानी पीने का बहुत दिक्कत है, तो लाने जाएंगे या पहुंचाएगा कोई? नहीं, कोई नहीं आएगा, तो नहीं, किसी तरह जाएंगे, जाएंगे भी जाएगा, भींगा जाएगा, भींगा जाएगा। तो खैर बारिश है तो भींगना तो पड़ेगा, हम लोग भी कश्ती में कर रहे हैं, लेकिन समस्या बारिश का नहीं है, समस्या है जल जमाव का। नाली का पानी है, रोड पर आ चुका है, और वो बहुत देख ही रहे कितना गंदगी है। देखिए यहाँ पे लोग अपने अपने कामों में चल रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, सबको अपने पेट पालना है, स्कूल जाना है, काम पे जाना है, तो लोग तो निकलेंगे ही बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग सर पे उठा के सामानों को ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लग गया है, रिक्शा नहीं मिल रहा है, ऑटो नहीं मिल रहा है, लोग को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और देख लीजिए यहाँ पर बहुत से हैं, ये ठकुरबाड़ी रोड है हमारे कदम कुआं का, पटना का। और ऐसे ही और भी हम जगहों पे जाएंगे और देखेंगे कि पटना नगर निगम जो कहता है कि वो हर जगह, उसने इस बार नाली की उड़ाई अच्छे से की है, काम अच्छे से किए हैं, तो ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि देखिए कितना अच्छा काम किया है, ये दो एक दिन के बारिश में ये हालात हो गए हैं पटना के। चलिए, और भी किसी अपडेट के लिए आप देखते रहिए बिहारी न्यूज। मैं RM, धन्यवाद। और ऐसे ही हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे, और बिहार के मौसम की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, और देखते रहिए तब तक बिहारी न्यूज। मैं RM, धन्यवाद।